तिहाड़ जेल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी, मनीष सिसोदिया के घर से रेड में कुछ नहीं मिला, उन पर सीबीआई ईडी की सारी धाराएं लगाकर गिरफ्तार कर लिया। आपकी पार्टी के एमएलए के यहां इतना कैश मिला, उसकी गिरफ्तारी नहीं। अब आप कभी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो मत ही करना, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी, वो शख्स है मनीष सिसोदिया। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी, पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया, वो शख्स है सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है।